हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह का टाइम है, यही सुबह 7:30 बज रहे होंगे या फिर 8 का टाइम होगा और आज है मंगलवार। तो आज मुझे ज़रा कहीं जाना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम में मैंने कहा काम कर लूँ फटाफट से। और यहाँ बन रहा है मेरा बनाना शेक, क्योंकि बच्चों को बनाना शेक दे दूँगी, क्योंकि चाय जो है मैंने बंद कर दी, मैंने भी पीना बंद कर दिया, गर्मी जो है ज़्यादा पड़ने लग गई इसलिए। तो बनाना शेक बनाने के बाद बच्चों को देकर, और इधर मैंने जो है आलू का रसा बनाया है, जिसे हम मट्ठे के आलू भी बोलते हैं कई जगह और आलू का रसा भी बोलते हैं, तो वही बनाया है और खाना पीना बना कर जाऊँगी मैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये बोल रहे थे जैसे कि 10-11 बजे निकल जाएंगे और देखते हैं कितने बजे तक निकलना होगा, वैसे मैं अपना काम करने के फ्री हो जाऊँ मतलब। तो यहाँ पे बनाना शेक जो है बन गया है मेरा, और इधर मेरा आलू का रसा भी बन गया है और आटा वाटा लगा कर रख दिया था मैंने, और थोड़े बहुत बर्तन है बस, उन्हें भी जल्दी से साफ़ कर दूँगी फटाफट। और हाँ, अभी तो मार्केट भी जाना है, कुछ सामान रह गया वो लेकर आना है, और सिस्टर के साथ जाऊँगी, उसी का सामान रह गया, मैं तो अपना कल लेकर आ गई थी। और बस मार्केट से आने के बाद जो है तैयार होकर निकलते हैं फटाफट से। और कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो आपको आगे पूरा ब्लॉग देखना, आपको सब पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों गई थी मैं। तो चलिए फिर जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद, जब निकलूंगी उसके बाद, ठीक है। ये तो आ गई, हमारा एक ग्रुप छूट गया, बस जो सिखा आती है ना वो नहीं आई। ये तो आ गई, ये वही मानी नहीं खाई बिना पूरी, ये तो कह रही मैं तो जा कहीं मानूंगी, हम बेसरम लोग। और सीधा वीडियो इसलिए अब बन रही है क्योंकि जल्दी जल्दी में ना मार्केट वगैरह गए थे, और वहां से आने के बाद फिर जल्दी में तैयार हुए, तीसरा साथ ही आया नहीं तो इसलिए मन नहीं किया। नहीं, मन भी नहीं किया, फिर ऐसा है ना साथ में सब लोग मिल जाते तो बन जाते वीडियो वगैरह, इसलिए अभी नहीं बन पाई। और सीधे हम पहुंच चुके हैं गांव में जहां पे पहले आए थे, वहां पर अचानक ही आधम के, कल भी अचानक ही फोन करा था ना भैया ने, अचानक ही सब कुछ काम हुआ, मार्केट वगैरह सब अचानक ही गए और अचानक ही आधम के, हाँ वो तो सारे काम अचानक ही हुए, सारे कुछ प्लान वगैरह सब थी वैसे तो कोई। और बर्थडे में आए हम यहाँ पर गांव में, कौन कौन आया दिखा दो। मैं आई हूँ, वो आई है, ये तो यहीं की है, ये तो यहीं की है, ये तो इसे मत मान लेना कि जी आई है ये। मैं आओ नहीं तू ना आई है। और गुड्डन भी आई है भाई, लाडो भी आई है हमारी, और केशव भी आया है, नकुल को नहीं लेकर आई, नकुल तो घर पर ही रह गया क्योंकि उसे सफर में अच्छा नहीं लगता, और मेरे दर्द होने लग गया भाई पेट में, खा पी के नहीं, पहले हो रहा था, और खाना पीना हमने खा लिया है। अच्छा सब्जी अच्छी लगी थी, गजब ना गजब। और पूड़ी मेरे मन जैसी मिल जाए तो फिर तो भली सब्जी कैसी हो, गर्मा गर्म पूड़ी हो करा रही हो वो भी अच्छी लगे है। क्या कह रही है बता बता, क्या कह रही है पंचायत बता आला। बोले ही पंचायत फालतू बताए, मैं अपनी बातें बता रही हूँ, फालतू पंचायत बता रही हो, बाल में उखाड़ के बाहर फेंक दूंगी। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं अपनी बुआ के घर पर जहां पे हमें आना था, और मैंने आप सबको बताया था कि मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ तैयार होके, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया और हम लोग निकल आए, मैं भूल भी गई थी, और हम लोग निकल आए और शाम के बज रहे यही कुछ 7-7:30 का टाइम होगा, और हमारा खाना पीना हो गया है। और मैंने आप सबको सुबह बताया था कि हम 10-11 बजे निकलेंगे, लेकिन नहीं, हम शाम को निकले थे 3-3:30 बजे। ये सिखा गई मम्मी है, हाँ सिखा नहीं आई ना इसलिए इनकी मम्मी आई, नहीं सिखा का अगर पेपर नहीं होता तो जरूर आती हो, है ना, उसे बड़ा अच्छा लगता है। बाहर बंद करवा दे, गई तभी मौजी हुई है। चलो कोई बात नहीं, उसके गाने बज रहे ना, आ गई जी, हाँ 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 पार साल बोलो बोलो बंद कर दो, नहीं नहीं पार साल बताने दे, बैठे थे सरको बताओ, पार साल का भयो यहाँ पे आए नहीं थे, कहाँ पे बताओ, पता नहीं पता, कहाँ पे, यहाँ पे देवता थोड़ी बैठे थे, चप्पल पहने पहने धो लिया, हाँ कहीं नहीं गई थी तूने, माँ बेटा रखो चप्पल को नहीं गई थी, यहाँ पे दावत खा गया है तो मैंने ये शर्ट उतार दी, खुल गई थी इनकी चप्पल, खुल गई थी पहले हम लोग आए नहीं थे, चप्पल को आती है कहीं ना जब यहाँ पे, पहले मैंने आपको पहले बताया देवता वर बैठे थे ना, जलधारा हुई थी जब उनकी चप्पल खो गई, नहीं अब उतारियो मत, नहीं जीत अब नहीं खोगी, पहनी पहने डोली हो सोई में ना, तकिया के नीचे धर के सोई हो, हमने सब तो जा रहे अब मैं सबके चप्पल पैर में नीचे दे दूंगी, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, चप्पल हमने देख ली कौन ने भी पहन रखी है, नहीं कोई पहन ही गया, नहीं कोई पहन के निकल गो,
नई चप्पल अभी बताओ दे तो सोच रही कि गांव में नई चप्पल पहन के जाऊंगी सब ने दिखाऊंगी और जिनकी कोई उठा के चल तो बनो नंगे पैर आए तो कोई न्यू नहीं कह रहा था नंगे पैर अब ऐसे पुरानी चप्पल पहन के आता है न्यू कोई कह रहा पुरानी चप्पल पहन के आए बताओ नई चप्पल भी क्या है सिखागी वाली सिखागी हम भी वीडियो बना रहे हैं हां आ देखो सिखा वैसे वीडियो बनवाते हैं इनकी मम्मी देखो वीडियो बना रही है ऐसा ज्योति संग जो रहे ना पागली बन के रहे और के सुना रहे है? अब बता वीडियो बनाने में पागल होता जी डाल मंदी ओ डलेगी जे और पागल बन नहीं है मैं कसम और फालतू में मेरे पास इतनी स्टोरी भी ना आती बना बना के दत्त लूंगी कोई बात नहीं डाल लंदन है तुम्हारे मुंह पे टैटू लगा दूंगे नहीं मैं टैटू वैटू ना लगा तो भैया बताओ नहीं है ऐसे डाल लूंगी कोई बात नहीं इंतजार कर रही है जब मैं वीडियो बंद करूँ वो पीछे एक थप्पड़ मैं बंद ही ना कर रही था टपली पड़ाई टपली मैं बंद ही ना कर रही था छत पे अच्छा लग रहा जी सही है ना गांव में वैसे शाम के टाइम अच्छा लगा था ना भले ही धूप में दिन में अच्छा ना लगा चलो यो नहीं हाओ चलो यो नहीं गेम है अच्छा दीदी आज मैं तुम्हारी याद आई बोलो काय बात पे सबसे पहले मैं इनके फायर डाल लूँ मैं नहीं तो इन सब के साथ मैं मारूंगी तो डाल ली लंका देगी वो भी तो लगा खाई नहीं तो मैंने नैन पॉलिश लगा ली ना आंखों पानी लगा ली है ना मावर तो लगाना मावर मैंने क्यों नहीं लगाया पता है जब वहाँ पे गए थे ना करनाल पापा की दावा वहाँ पर शादी में मावर इसके लिए गाड़ी में धर के ले गई तो मैं रहेगा वो मेरे मावर एक ही डिब्बी आती बस अब मैं टैक्चर रखा था ना क्योंकि मैं लगा था ना तो काम करूँगा तो बताओ तो वापस नहीं बजवा सकती थी क्या कर जी बात ही लगाया तूने हाँ पूरा संजय कोई बुला रहा है और पता है मैंने कहा सबसे पहले मैं पायल डाल लूँ नहीं तो फिर डांट पड़ेगी सबके सामने आकर इसलिए मैंने सबसे पहले पायल पहनी क्योंकि मैं अपने घर पे पायल पहनती ना हूँ और जब भी कहीं जाओ ना तो पायल ही भूल जाती हूँ मैंने कहा यार याद आ गई पायल पहन लो साड़ी वाड़ी तो बाद में पहनूंगी पहले पायल साड़ी नहीं भूलूंगी पायल तो भूल जाऊंगी मैंने कहा साड़ी बाद में पहनूंगी पहले पायल पहन लो साड़ी नहीं भूलूंगी पहले ना पायल तो भूल जाती हूँ देखो पहन कर आई सूट पहन ही आते हैं तुम्हारा वाला मिस कर दिया और एक जीजी मेरी यहाँ पर ये बैठी है ये देखिए बातें कर रही हैं ये तो ऐसा है कि कहीं अगर बैठ जाए ना तो फिर उठने का नाम ना लेती बस बातों में वहीं खो जाती हैं ये इनका मायका है मेरी बुआ का घर है और इनका मायका है मेरी बुआ की लड़की है वो और वैसे भी हम पहले यहीं पर रहते थे मेरी शादी और मेरी सिस्टर की शादी यहीं से हुई थी तो अब हम लोग ना नोएडा रहने लग गए हैं तो इसलिए पर मेरा आना जाना यहाँ पर लगा रहता है आप लोगों ने कई ब्लॉग में मेरा देखा होगा यहाँ का वीडियो ब्लॉग और वैसे भी मुझे पता है गांव में ठीक लगता है शाम के टाइम यहाँ पर हम छत पर बैठे हैं सब लोग ये देखिए ये दीक्षा भी आई है और सिस्टर भी आई है और ये वाला मंदिर बनवाया था जब आज से एक साल पहले प्रोग्राम हुआ था मूर्ति स्थापित हुई थी यहाँ पर और यहाँ पर हो रही है बर्थडे की तैयारी सजावट हो रही है और बाहर ना म्यूजिक चल रहा था खूब ज़ोरों शोरों से इसलिए मैंने वॉइस ओवर की नहीं तो आप लोग जो है पक जाते हमारी बातें सुन सुनकर और भैया बहुत मस्ती की बहुत धमाल किया बहुत मज़े आए तो लो जी भाई केक भी आ गया है और इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब केक कटेगा और सब में बटेगा मज़े मस्ती करेंगे और आप लोग ये मत सोचना कि अंधेरा हो रहा लाइट नहीं है लाइट तो थी लेकिन थोड़ा उजाला कम था और ये देखो इनका भैया का टीका हो रहा है ये दीदी टीका कर रही हैं और ये मत सोचना कि इन्हीं का बर्थडे इनका बर्थडे नहीं है ये तो बस ऐसे ही करवा रहे थे इसका बर्थडे है ये भतीजे का है और ये सबसे छोटे वाले भैया है उनके लड़के का बर्थडे था और बहुत सारे लोग आए थे काफ़ी लोग आए थे और अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं मिल जाते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है और मज़े भी बहुत आते हैं लूट मार तैयार तो लूट लो
पे केक कटने के बाद जो है यहाँ पे डांस हो रहा था, और बीच वाले भैया का लड़का है ये, वो बोल रहा था अपने ताऊ से कि ताऊ डांस करो, बड़ा भैया नाचने वाला है, बड़ा शौक ऐसे नाचने का और अच्छा डांस करता है ये, और तो भैया है बड़े वाले वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। इसकी वीडियो आपको जो है रील्स में मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये देखो केक खाया कम था और लगाया ज़्यादा था, ये बर्थडे में ऐसा ही होता है कि भैया देखना सबसे ज़्यादा इन्होंने ही लगाया, और ऐसा लग रहा था कि फेयर लवली लगा के बैठे, बताओ कितने आराम से लगवा रहे हैं मज़े मस्ती में ये। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और ब्लॉग देखने के लिए। फिर मिलते अपने एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।